आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हैवी एम्पलीफायर्स के लिए एम्पलीफायर सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल। तो इस वीडियो में हम इसके पूरे कनेक्शंस के बारे में जानेंगे और इसका पूरा जो है लुक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स और जो हमारे सभी सेलिंग के लिए आइटम्स हैं उसके जो पीसीबी हैं वो हम जेएलसी पीसीबी से मंगाते हैं। जेएलसी पीसीबी आपको काफ़ी कम दाम में काफ़ी अच्छे जो है क्वालिटी के पीसीबी प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेएलसी पीसीबी का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप भी अपना जो है पीसीबी जेएलसी से मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बोर्ड का काम क्या है। तो दोस्तों, जितने भी आपके हैवी एम्पलीफायर्स रहते हैं उसके अंदर हैवी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और जब भी आप उस एम्पलीफायर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग में जो वो करंट लेता है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के कारण बहुत ज़्यादा रहता है, और इसी कारण से आपके घर की जो है एमसीबी कभी कभार ट्रिप हो जाती है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए और एम्पलीफायर को एकदम धीरे से यानी कि सॉफ्टली स्टार्ट करने के लिए ये सॉफ्ट स्टार्ट जो है बोर्ड दोस्तों उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए अब हम जो है इस बोर्ड के बारे में आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम हमारे बोर्ड की जो है बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। तो इस बोर्ड में जो हमने पीसीबी यूज़ करी गई है वो दोस्तों 1.6 एमएम की ओरिजिनल ड्यूअल लेयर्ड FR4 ग्लास एपॉक्सी की जो है पीसीबी है, जो कि ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड से लेयर्ड है, यानी कि ये 35+35 माइक्रोन की जो है पीसीबी है और काफ़ी जो है हैवी पीसीबी है ये। और आप यहाँ दूसरी साइड भी देख सकते हैं, जो इसके अंदर दूसरा कलर है ब्लैक कलर, उसकी भी आप पीसीबी की क्वालिटी देख सकते हैं। और यदि हम जो है हमारे बोर्ड के कंपोनेंट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने Li1 का इसके अंदर जो है रिले लगा रखा है, जो कि एक हैवी रिले है, जो कि 30 एम्पियर का रिले है। और जो कैपेसिटर्स और बाकी के कंपोनेंट भी आप देख सकते हैं वो हमने यहाँ पे विषय के जो है लगा रखे हैं। रजिस्टर्स भी यहाँ पर हमने जो है विषय के लगा रखे हैं, और पावर इंडिकेटर भी यहाँ पर हमने जो है इस बोर्ड में दे रखा है। साथ ही में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा मेड इन इंडिया जो है वो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है यहाँ से। और यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हमारी जो है ब्रांडिंग दिखती है, और पीछे के साइड भी जो है यहाँ पे हमारे YouTube का लिंक है, और साथ ही में इस बोर्ड के जो है प्रिकॉशंस जो है हमने लिखे हुए हैं। और कुछ इस प्रकार से जो है हमारा बोर्ड पीछे से दिखता है, और काफ़ी अच्छा जो है हमारा ये बोर्ड है। और इस बोर्ड में हमें जो है 10 एम्पियर का फ्यूज़ प्रोटेक्शन भी जो है देखने मिल जाता है। और साथ ही में जो इसके जो बैलास्ट रजिस्टर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंगल 20 वाट का जो है 47 ओम्स का बैलास्ट रजिस्टर जो है यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ पे होता है। और साइड में हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है हीट श्रिंक स्लीव भी लगा रखी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर हमने जो है रिले काफ़ी हैवी यूज़ किया है, जो कि एक 30 एम्पियर का रिले जो है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का है। और जितने भी यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो सारे कनेक्टर बेस्ड जो हैं थिम्बल बेस्ड हैं। और इसकी शोल्डर टिनिंग की बात करें जो कि हैवी जो इसको और बनाता है, जो कि हाई करंट डिलीवर करने के लिए इस बोर्ड को सक्षम बनाता है, जो कि ओवर शोल्डरिंग होती है, वो भी हमने इस बोर्ड के अंदर जो है दे रखी है। तो चलिए अब इसका बोर्ड का जो है हम कनेक्शंस देख लेते हैं। तो इस बोर्ड के कनेक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर जो TFR1 और TFR2 दिया हुआ है जो कि थिम्बल कनेक्टर है, यहाँ पे आपके जो है दोनों पॉइंट्स लग जाएंगे आपके ट्रांसफार्मर के। और जो यहाँ Li2N और Li1P लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है इनपुट आ जाएगा न्यूट्रल, और दूसरी साइड जो है पी के साइड यहाँ आपका जो है फेस जो है वायर लग जाएगी फेस की। और उसी के साइड में जो दो यहाँ पे थिम्बल दे रखे हैं ये आपके दोस्तों ऑन ऑफ स्विच के रहेंगे, जो कि आपके एम्पलीफायर को ऑन और ऑफ करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इसके कनेक्शंस थे। तो अब देख लेते हैं कि इस बोर्ड के साथ आपको जो है साथ में बॉक्स में और क्या क्या एडिशनल मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है 6 पीस हाई क्वालिटी फीमेल थिम्बल कनेक्टर्स देखने मिल जाएंगे, और साथ ही में आपको जो है 2 पीसेज जो है फ्यूज़ के 10 एम्पियर के साथ में देखने को जो है मिल जाएंगे। तो यदि आपको ये बोर्ड ख़रीदना है तो दोस्तों ये बोर्ड आपको 2 कलर्स में उपलब्ध हो जाएगा। एक जो है दोस्तों ये ब्लैक कलर में मिलेगा, और दूसरा ये वाइट कलर में आपको जो है देखने मिल जाएगा। और इस बोर्ड की जो कीमत है वो है दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है, और इस बोर्ड को जो ख़रीदने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमने जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जो है दिया हुआ है। वहाँ से जाके दोस्तों आप इस बोर्ड का जो है
ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये बोर्ड फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके जो है घर पे शिप कर दिया जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि JLC PCB से PCB कैसे मंगाएं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और कुछ इस प्रकार इनकी यहाँ पे वेबसाइट दिखती है। ये इनके वेबसाइट का फ्रंट पेज है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ऐड गर्बर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो है गर्बर फाइल ऐड कर लेंगे। जो आपने बनाई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और लेयर वगैरह ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। उसके बाद कुछ ऐसा अगला पेज खुलेगा जहाँ पे प्रोसेसिंग गर्बर फाइल लिख के आएगी और ये गर्बर फाइल अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिखेगा और जो इसके डायमेंशन है वो इसने ऑटोमेटिक ले लिए हैं PCB के। और यहाँ से आप उसकी जो है क्वांटिटी, थिकनेस और जो इसका कलर है, यहाँ से देख सकते हैं आप ये क्वांटिटी और इसकी कलर आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कलर आपको मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे $2 यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है, यानी कि 5 PCB के लिए जो है $2 ही खर्च करेगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 कर दें इसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $5 ले रहा है, तो हम 5 पे रहने दें इसे, तो $2 यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो है शिपिंग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम रजिस्टर एयरमेल कर देंगे क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन काफ़ी सस्ता पड़ता है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव टू कार्ट कर लेंगे। सेव टू कार्ट करने के बाद हम यहाँ पे व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ $2 प्राइस दिखा रहा है। तो उसके बाद हम जो है साइड में बटन आ रहा है चेकआउट सिक्योरली का, वहाँ पे क्लिक करेंगे। चेकआउट सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आपका शिपिंग एड्रेस डालनी है और सही एड्रेस डालना है पूरा, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर वहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग मेथड मांग रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे DHL सिलेक्टेड है और $55 मांग रहा था, तो हमने इसको रजिस्टर एयरमेल कर दिया। अब ये सिर्फ सीधा सिर्फ $60 ही ले रहा है, $7। उसके नीचे अब हम इसको जो है सबमिट ऑर्डर पे कर देंगे, तो यहाँ पे हम पे डायरेक्टली और रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो हम पे डायरेक्टली कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक और पेज खुल जाएगा पेमेंट का। यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, पेपाल, क्रेडिट कार्ड या जेपे इनका खुद का वॉलेट है। यहाँ पे आप कार्ड नंबर वगैरह डाल के जो है पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास कूपन वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसे पे। तो यदि आपको इस बोर्ड के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप उसको जो है बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।